नमस्कार, अपने सुन रहल छी मिथिला मिरर वेब रेडियो। सबसे पहले मुख्य समाचार। द्रुत गति से बढ़ल जा रहल है देश में कोरोना संक्रमण। संक्रमित रोगी संख्या बढ़कर 4,281, 111 रोगी की मौत, 319 भेला ठीक। तो पिछला 24 घंटा में 10 भेल 704 रिकॉर्ड नव मामला। जमाती की योगदान 1445। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेटक बैसार में भेल फैसला। एक साल धरि 30% कम तनख्वाह लेता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद आ राज्यपाल। सांसद निधि 2 सालक फंड से हो पीएम केयर्स फंड में। बिहार के दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड से तबलीगी जमात में शामिल भेल 12 मौलाना कैल गेल क्वारंटाइन। देवराम अमेठी पंचायत के मुखिया संजीदा खातून देने छली सूचना। गया स्थित NMCH अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में घुसल 2 अज्ञात युवक। कोरोना पॉजिटिव रोगी के खुएलन दवाई। अस्पताल प्रशासन में मचल हड़कंप। एक के कैल गेल गिरफ्तार तो दोसर के तलाश जारी। तबलीगी जमात में शामिल किशनगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा आ मधुबनी के 34 संदिग्ध के रिपोर्ट आयल नेगेटिव। स्थानीय प्रशासन लेल राहत के खबर। सीतामढ़ी में विदेश से आयल 11 गोट व्यक्ति के रिपोर्ट सेहो नेगेटिव। सिवान के क्वारंटाइन सेंटर में भेल हंगामा। फसाद करे वाला पर सख्त एक्शन लेबाक आदेश देलन राज्यक गृह सचिव। बिहार में 5 कोरोना रोगी जितला कोरोना से जंग। अस्पताल से भेटल छुट्टी। सोम दिन नहीं आयल कोरोना पॉजिटिव रोगी एकोटा खबर। और खेत में बर्बाद भ रहल है पाकल रब्बी फसल। कोरोना महामारी के चलते किसान के नहीं भेट रहल छन जोन। भागलपुर के बुनकर उद्योग पर सेहो पड़ल प्रतिकूल प्रभाव। माछ उद्योग सेहो खतरा में। विस्तृत समाचार के संग हम ललित नारायण झा। देश में कोरोना महामारी अब सामुदायिक संक्रमण दिस अग्रसरित भ रहल है। पिछला 24 घंटा में रिकॉर्ड 704 गोट नव मामला सामने अयला से एहि बातक भान भ रहल है जे भारत में सेहो कोरोना महामारी तेसर चरण में चल गेल है। तेसर चरण सबसे खतरनाक चरण मानल जात है। जाहि चरण में संक्रमित रोगी की संख्या में अचानक उछाल देखबा में आबैत है। देश में कोरोना संक्रमित रोगी की संख्या बढ़कर 4,281 गेल जखन की 111 गोटे के निधन से हो भ गेलन। हालांकि 319 रोगी ठीक भ के अपन घर से हो जा चुकल छे मुदा चिंता धीरे धीरे बढ़ल जा रहल है। कुल रोगी की संख्या में से 1445 तबलीगी जमात के मरकजी सभक है। एतबे नहीं, जमात में शामिल भेल अथवा हुनका संपर्क में आयल 25,000 गोटे के क्वारंटाइन को राखल गेल है। देश में एखन धर 1,01,068 जांच कयल गेल है। महाराष्ट्र पुनः 748 रोगीक संग शीर्ष स्थान पर पहुंच गेल अछि जखन कि तमिलनाडु 571, दिल्ली 523 और बिहार में 32 संक्रमित रोगी बताओल जा रहल अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेटक बैसार में ई निर्णय भेल जे कोरोना महामारी से लड़बाक लेल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, समस्त सांसद और राज्यपाल लोकन के एक साल धरि तनख्वाह 30% कम देल जतन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक संवाददाता सम्मेलन में कहलन जे केंद्रीय कैबिनेटक बैसार में इहो निर्णय भेल जे 2 वित्त वर्षक लेल सांसद लोकनिक सांसद निधि फंड के सेहो समाप्त कयल जा रहल अछि। आ ई फंड अब सीधे प्रधानमंत्री केयर्स फंड में चल जायत आ एहि से कोरोना महामारी से मुस्तैदी से लड़ल जायत। भारतीय जनता पार्टी के 40वां स्थापना दिवस पर अपन संबोधन में जाहि तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से लड़बाक बात करैत एहि बात पर जोर देलन जे ई लड़ाई लंबा चलत ताहि से एहि बातक अंदाजा सेहो लगायल जा सकैत अछि। जो देश सामुदायिक संक्रमण दिस जायत अछि तो लॉकडाउन के समय सीमा के सेहो बढ़ेबा दिस सरकार विचार कऽ सकैत अछि। दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत देवराम अमेठी पंचायत के मुखिया संजीदा खातून एहन सूचना देलन कि हुनक पंचायत के अंतर्गत नवटोलिया मदरसा में किछु अनचिन्हार मौलवी लोकन देखल जा रहल छथि। सूचना भेटते जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के निर्देश पर स्थानीय SDO तत्काल ओहि जगह पर अपन दलबलक संग पहुंच गेला और ओतहि रहि रहल 12 मौलवी के गिरफ्तार कऽ क्वारंटाइन सेंटर भेज देल गेल। गिरफ्तार मौलवी लोकन के जाँच बहेड़ा PHC के 3 डॉक्टर कयलन आ सैंपल के जाँच लेल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज देल गेल। गिरफ्तार मौलवी लोकन कोलकाता के रहे वाला बताओल जा रहल छथि। पुलिस हिनका सभक ट्रेवल हिस्ट्री से हो खंगाइल रहल अछि जे ई सब दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल भेल छला वा नै। दरभंगा प्रशासन के मुताबिक तबलीगी जमात से जुड़ल 4 ग्रुप दरभंगा आयल छल। एहन सूचना राज्य सरकार के द्वारा देल गेल छल जाहि में से 3 ग्रुप के पहले
पहले पता लगाओ लेल गेल छल और चारिम के तलाश चल रहल छल। संजीदा खातून के प्रशंसा करैत एसडीओ कहलन जे निश्चित रूप से मुखिया जी अपन कर्तव्य के निर्वहन क अपन आ समाज के एहन महामारी से बचा लेलन। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जितबा लेल बिहार सरकार हर विभाग के अलर्ट मोड पर राख देने अछि। एतबे नहि, स्वास्थ्य विभाग से लह जिला प्रशासन धरि एक एक चीज पर लगातार समीक्षा कर रहल छथि आ कोनो तरहक त्रुटि नहि रहे तकर ध्यान सेहो राखि रहल छथि। एहि सबके बीच गया स्थित NMCH अस्पताल से एकटा बड़का चूक सामने आयल अछि। एहि अस्पताल में कोरोना रोगी के लेल बनाओल गेल आइसोलेशन वार्ड में दूटा अज्ञात युवक घुसि गेला और एकटा कोरोना पॉजिटिव रोगी के दवाई खुआ चलत बनला। दोनों संदिग्ध युवक डॉक्टर किट पहिर अस्पताल गेल छला जाहि कारण सुरक्षाकर्मी चकमा खा गेला। ओहि दौरान जखन दुनू वापस अबैत छल तऽ हुनका सबके देख एकटा स्वास्थ्य कर्मी के शंका भेलनि आ जखन संदिग्ध युवक के जांच लेल कहलनि तखन दुनू भागय लगला। हालांकि सुरक्षाकर्मी अपन मुस्तैदी देखबैत एकटा के पकड़बा में सफल भेला मुदा दोसर फरार हेबा में सफल रहल। पकड़ल गेल युवक के नाम वीरेंद्र चौधरी बताओल जा रहल अछि जे एकटा निजी अस्पताल में काज करैत अछि आ भागल युवक के पहचान सेहो भऽ गेल अछि। ओ एकटा वैद्य छथि। रवि दिन राति भेल एहि घटना पर अस्पताल के अधीक्षक विजय कृष्ण प्रसाद कहलनि जे हिनका दुनू के खिलाफ केस दर्ज कराओल गेल अछि और अस्पतालक सुरक्षा कर्मी के और बेसी अलर्ट पर रहबाक लेल कहल गेल अछि। एतेक पैघ लापरवाही के सूचना भेटैत जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और SP राजीव मिश्र घटना स्थल पर पहुँच जाँच शुरू कऽ देलनि। पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्र कहलनि जे दुनू आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कऽ लेल गेल अछि और फरार युवक जल्दीए गिरफ्तार कऽ लेल जायत। एक दिस जते समूचा देश में कोरोना महामारी के चलते हड़कंप मचल अछि ओतहि बिहार से किछु राहत के खबर भेट रहल छै। जाहि तरहें तबलीगी जमात से जुड़ल जमाती में कोरोना संक्रमण के संख्या बढ़ रहल अछि ओहि से पूरा देश में चिंता माहौल छै। मुदा बिहार में एखन धरि एहि जमात से आयल लोकनिक रिपोर्ट जे सामने आयल अछि ओहि में कोरोना पॉजिटिव रोगी हेबाक पुष्टि नहि भऽ रहल अछि। निश्चित रूप से ई बिहार सहित देश के लेल एकटा शुभ संकेत थिक। एखन धरि आयल रिपोर्ट में किशनगंज के 13, बेगूसराय के 8, समस्तीपुर के 9, दरभंगा के 4 और मधुबनी के 3 जमाती लोकनिक रिपोर्ट नेगेटिव आयल अछि। निश्चित रूप से विभिन्न जिला प्रशासन लेल सेहो ई पैघ खुशखबरी छै। जनतब होयत जे एहिमे से दूटा संदिग्ध दरभंगा जिलाधिकारी के एस्कॉर्ट कार के ड्राइवर और हुनकर भाई छथिन। DMCH अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद दरभंगा के दुनू युवक में कोरोना नेगेटिव हेबाक पुष्टि कयलनि। ओतहि सीतामढ़ी में विदेश से आयल 12 लोकनिक जांच रिपोर्ट सेहो नेगेटिव आयल अछि। जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा कहलनि जे कोरोना संक्रमण हेबाक शक के आधार पर हिनका सभक ब्लड सैंपल लऽ पटनाक राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भेजल गेल छल मुदा हिनका सभक रिपोर्ट नेगेटिव आयल जे एकटा सुखदगर खबर अछि। जिलाधिकारी कहलनि जे ई 12 गोटे अलग अलग प्रखंड के रहे वाला छथि और रिपोर्ट नेगेटिव भेला के बाद आब ई सब अपन घर जा सकैत छथि। बिहार के गृह सचिव सिवान के DM/ISP के खूब फटकार लगौलनि अछि। एतबे नहि, हुनका दुनू के कहल गेल जे हंगामा करे वाला व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाओल जाय और मुकदमा दर्ज कयल जाय। संगे गृह सचिव कहलनि जे क्वारंटाइनक अवधि खत्म भेला के बाद उपद्रवी सबके जेल भेजल जाय। दरअसल ये पूरा मामला सिवान जिलाक रघुनाथपुर स्थित राजपुर मिडिल स्कूल में बनाओल गेल क्वारंटाइन सेंटर के अछि जतय संदिग्ध रोगी सबके देखरेख करे वाला स्टाफ सब पर हमला कय देल गेल और बीच बचाव करे ला गेल पुलिस पर सेहो पत्थरबाजी कयल गेल। हालात के देखैत पुलिस के पाछा हटे पड़ले। ओतहि बिहार पुलिस के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे DM/ISP से बातचीत करैत कहला जे हिनका सबक खिलाफ केस दर्ज कयल जाय और मुकदमा राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत चलाओल जाय और सख्त से सख्त सजा दिएबाक लेल पुलिस बेसी से बेसी साक्ष्य सेहो प्रस्तुत करत। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के खंगाल रहल अछि जाहि से दोषी के खिलाफ बेसी से बेसी सबूत एकत्रित कयल जाय। बता दी जे एहि सेंटर में करीब 60 कोरोना संदिग्ध के राखल गेल अछि। देश में जते कोरोना रोगीक संख्या बढ़ल जा रहल अछि आ रोगी सब एहि रोग से आतंकित छथि ओतहि बिहार में कोरोना संक्रमण के चेन टूट रहल अछि किएक तऽ सोम दिन बिहार में कोरोना पॉजिटिव रोगी हेबाक एकोटा सूचना 7:30 बजे धरि नहीं आयल छल। एतबे नहि, पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक संगे 5 रोगी के छुट्टी देल गेल जिनका 5 गोटे के अस्पताल से छुट्टी भेटलन अछि ओहि में से 4 सिवान और 1 पटना के छथि। रवि दिन RMRI में कोरोना के तेसर सैंपल जांच में एहि 5 रोगी के रिपोर्ट नेगेटिव आयल छल जकरा बाद अस्पताल प्रशासन हिनका लोकन के 14 दिन होम क्वारंटाइन के सलाह द आई छुट्टी द देलक। कोरोना से जंग जीत लेला के बाद ई लोकन उत्साहित दिखाई देला और डॉक्टर समेत पूरा अस्पताल के प्रति अपन आभार व्यक्त कयलनि।
एखन धरि राज्य में कोरोना रोगीक संख्या 32 अछि, जाहि में सँ एक गोटे के मृत्यु पहले भऽ चुकल छनि। जनतब होयत जे ई रोगी 29 मार्च सँ एतय भर्ती छलाह। एक संगे 5 रोगी के ठीक हेबा पर डॉक्टर लोकनि आम जनता सँ अपील कयला अछि जे महामारी में एकटा छोट संचूक घातक भऽ सकैत छै। कोरोना महामारी के कारण पूरा देश में लॉकडाउन अछि। एकर प्रभाव सँ देशक किसान सेहो प्रभावित भऽ रहल छथि। अब अन्नदाता लोकनि पर लॉकडाउन भारी पड़ि रहल अछि। किसान सभक रबी फसल आब पाकि कऽ तैयार भऽ गेल छनि, मुदा कोरोनाक डर सँ जोन लोकनि अपना घर सँ बाहर नहि भऽ रहल छथि। एहन में मजदूर नहीं भेटबाक कारण पाकल फसल बर्बाद भऽ रहल अछि। कम मजदूर भेटला पर हुनका लोकनिक मजदूरी सेहो बढ़ गेल छनि, और तहि मजदूरी देबाक बात मानला के बादो मजदूर काज करबाक लेल तैयार नहीं छथि। हालांकि किसान लोकनि के खेती बाड़ी से जुड़ल काज के लऽ कऽ लॉकडाउन पर छूट देल गेल छनि। एहन में गंभीर बात ई अछि, जब पाकल रबी फसल खेते में रह जाए तब किसान सब अपन परिवार के संग सालों भर भरण पोषण कोना करता। एहन में देश में खाद्यान्न के कमी होयब स्वाभाविक छै। एक देश किसान परेशान छै तो दोसर देश भागलपुर के बुनकर लोकनिक हालत सेहो ठीक नै छै। कोरोना के कारण 13 दिन से काज राज ठप छै, और हुनका सबक आर्थिक हालत दिन ब दिन खराब भेल जा रहल छै। एतबे नहि, किछु बुनकर लोकन के कहब छै जे जौं इएह हाल रहत तऽ लोक कोरोना से तऽ मरबे करत, ओहिसँ पहिले ओ भुखमरी से मरि जायत। ओम्हर माछ के व्यापार में लागल लोक सब सेहो परेशान छथि। एक तो मजदूर नहीं भेटे छनि माछ मारबाक लेल, तो दोसर दिस माछ बाजार में कोना जायत एहि लेल कोनो साधन सेहो नहीं भेट रहल अछि। एहन में कतेको लोक पर बेरोजगारी मंडरा रहल अछि। हालांकि सरकार द्वारा विभिन्न तरहक योजना सेहो चलाओल जा रहल अछि, मुदा एहि योजना से कतेक लोक लाभान्वित भऽ रहल छथि या हेता से कहब मुश्किल छै। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। द्रुत गति से बढ़ल जा रहा है देश में कोरोना संक्रमण। संक्रमित रोगी की संख्या बढ़कर 4,281, 111 रोगी की मौत, 319 भेला ठीक। तो पिछला 24 घंटा में 10 भेल 704 रिकॉर्ड नव मामला। जमाती की योगदान 1445। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेटक बैसार में भेल फैसला। एक साल धरि 30% कम तनख्वाह लेता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद आ राज्यपाल। सांसद निधिक 2 सालक फंड सेहो पीएम केयर्स फंड में। बिहार के दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड से तबलीगी जमात में शामिल भेल 12 मौलाना कैल गेल क्वारंटाइन। देवराम अमेठी पंचायत के मुखिया संजीदा खातून देने छली सूचना। गया स्थित NMCH अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में घुसल 2 अज्ञात युवक। कोरोना पॉजिटिव रोगी के खुएलन दवाई। अस्पताल प्रशासन में मचल हड़कंप। एक के कैल गेल गिरफ्तार तो दोसर के तलाश जारी। तबलीगी जमात में शामिल किशनगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा आ मधुबनी के 34 संदिग्ध के रिपोर्ट आयल नेगेटिव। स्थानीय प्रशासन लेल राहत के खबर। सीतामढ़ी में विदेश से आयल 11 गोट व्यक्ति के रिपोर्ट सेहो नेगेटिव। सिवान के क्वारंटाइन सेंटर में भेल हंगामा। फसाद करे वाला पर सख्त एक्शन लेबाक आदेश देलन राज्य गृह सचिव। बिहार में 5 कोरोना रोगी जितला कोरोना से जंग। अस्पताल से भेटल छुट्टी। सोम दिन नहीं आयल कोरोना पॉजिटिव रोगी एकोटा खबर। और खेत में बर्बाद भ रहल अछि पाकल रबी फसल। कोरोना महामारी के चलते किसान के नहीं भेट रहल छनि जोन। भागलपुर के बुनकर उद्योग पर सेहो पड़ल प्रतिकूल प्रभाव। माछ उद्योग सेहो खतरा में। आजुक अंक में एतबे। नमस्कार।